हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल। स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं आटे के हलवे की रेसिपी। और ये जो आटे का हलवा होता है, ये सारे हलवा रेसिपी में बेस्ट माना जाता है अपनी क्वालिटीज़ को लेकर। तो आज जो हम आटे का हलवा बना रहे हैं, उसमें दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पहला कि हम उसे बनाएंगे एक चम्मच घी से, और दूसरा कि उसमें एक भी लंप नहीं होगा। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। आटे का हलवा बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा, मेल्टेड देसी घी, एक कटोरी गुड़, ड्राई फ्रूट्स में यूज़ करेंगे काजू, किशमिश, साथ ही यूज़ करेंगे एक गिलास पानी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक फ्राई पैन, और मेज़रमेंट के लिए मैं ले लूँगी इस तरह की कटोरी। हलवा बनाने की सारी मेज़रमेंट मैं इसी कटोरी से करूँगी। तो सबसे पहले मैं इससे दो कटोरी पानी इस फ्राई पैन में डाल देती हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे ये गुड़। ये देखिए बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो मैं ये इसमें डाल देती हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें गुड़ डालें, मैंने इसमें इतना गुड़ डाला है। तो इस फ्राई पैन को हम रख देते हैं गैस पर, और मैं गैस ऑन कर देती हूँ। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रखते हैं। जैसे ये पानी बॉईल होगा, गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, और गुड़ में बना हुआ आटे का हलवा जितना टेस्टी होता है खाने में, उतना ही हेल्दी भी होता है। और ये चीनी का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट भी है, तो आप चीनी की जगह इसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे चम्मच से इस तरीके से हिलाते हुए चलाते हैं ताकि ये गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो पानी बॉईल हो चुका है और गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम छान लेते हैं। गुड़ को छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार गुड़ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इसमें कई सारी इम्प्योरिटी मुझे दिख रही है तली में। तो इसे छान लेती हूँ पहले, और उसको एक सेपरेट बर्तन में रख देती हूँ। ये देखिए गुड़ में इस तरीके की इम्प्योरिटी रहती है, तो गुड़ को छानना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, और इस पैन में हम हलवा बनाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा है कि हमने हलवा सिर्फ एक चम्मच घी में बनाना है, क्योंकि ये बर्तन स्टील का है, तो सबसे पहले हम इसे नॉनस्टिक इफ़ेक्ट देंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा घी की कुछ बूंदें इस पैन में डाल दूँगी। इसके लिए मैंने गैस ऑन कर दी है। अब ये बर्तन हल्का सा गर्म हो चुका है, तो ये जो घी है जिसे मैं हलवा बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ, इसमें से मैं थोड़ा सा घी, लगभग 4 से 5 ड्रॉप कह सकते हैं, इतना घी इसमें से निकालूंगी। और अब मैं इसके मेल्ट होने का वेट करती हूँ। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस घी को पूरे पैन में अच्छे से फैला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है, उससे मैं सारा घी इस पूरे पैन में रब कर देती हूँ, और ये साथ में साफ भी होता जाएगा। अब हम इसमें जो भी हलवा बनाएंगे वो इसमें चिपकेगा नहीं। अब हम अगेन गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, और इस टाइम पे हमें फ्लेम को एकदम लो रखना है, क्योंकि हम पूरे हलवे की प्रोसेस लो फ्लेम पर ही करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक चम्मच घी। ये देखिए, अगर मैं कटोरी दिखाऊं आपको, तो इस छोटी कटोरी से इतना घी यूज़ हुआ है। घी अब मेल्ट हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा। अब हम इस आटे को इस तरीके के स्पैचुला की हेल्प से चलाएंगे और अच्छे से भूनेंगे। इस घी को हमें आटे में अच्छे से मिक्स करना है। मेज़रमेंट के लिए हम उसी कटोरी का यूज़ करेंगे जिस कटोरी से हमने पानी लिया था। आटे का हलवा वैसे तो ज़्यादा घी में बनता है, और साथ ही उसमें लम्स नहीं पड़ते। लम्स इसी वजह से नहीं पड़ते क्योंकि घी की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कई बार हमारे हेल्थ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं कि हम घी का ज़्यादा सेवन नहीं कर सकते,
उस टाइम पे हम इस हलवे को कैसे बनाएं कि इसमें गुठलियाँ भी ना पड़े, साथ ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, तो वही मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि इस हलवे की तासीर गर्म होती है, तो इसे अगर सर्दियों में खाया जाए तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही जो आटे का हलवा होता है वो सभी हलवा की रेसिपी में बेस्ट माना जाता है अपनी क्वालिटीज़ को लेकर। इससे पाचन भी सही होता है, बॉडी की ग्रोथ अच्छे से होती है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं, और भी कई फायदे हैं। इस हलवे को जब कोई प्रेग्नेंट लेडी बेबी डिलीवर करती है उसके बाद अगर ये हलवा खाए तो वो उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमारे यहाँ तो जो भी लेडी बेबी डिलीवर करती है वो आफ्टर प्रेगनेंसी ये हलवा ज़रूर खाती है। इसे भूनने में 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं, तो पूरे पेशेंस के साथ हमें इसे भूनना है। साथ ही गैस की फ्लेम को एकदम लो पर ही रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा फ्लेम ऊपर हो गई तो ये आटा जल जाएगा। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और ये देखिए, मुझे इसे चलाते हुए 10 मिनट हो गए हैं और इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। मैं इसे 2 से 3 मिनट और चला लेती हूँ। और ये देखिए, ये आटा एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का भून चुका है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर आपको करनी है थोड़ा सा मेहनत और आपका हलवा जो है वो बिना गुठली वाला बनेगा और एकदम वेलवेटी बन के आएगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं गुड़ वाला पानी। अब आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो गैस की फ्लेम को अभी बंद कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस तरीके का झारा है या फिर विस्क है या फिर फोक है, इन तीनों में से किसी का भी यूज़ करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैं यहाँ पे विस्क का यूज़ करूँगी और इसे अच्छे से मिला दूँगी, और ये प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करनी है। आप इसे मिक्स करने में जितनी लेट करेंगे हलवे में गुठलियाँ उतनी ही बड़ी बन जाएंगी और उसके बाद वो डिसॉल्व भी नहीं होंगी। तो आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए इसे मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि इसमें पानी की कमी है तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे आधा कटोरी पानी का यूज़ किया है। जब आप इसे मिक्स कर लें उसके बाद आप गैस की फ्लेम को ऑन कर सकते हैं। उस समय भी आपको गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। मैंने इसे लो फ्लेम पर ही मिक्स किया है। ये देखिए, अच्छे से ये मिक्स हो गया है और इसमें एक भी गुठली नहीं बनी है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे केक का बैटर बना है। अब आप इसे गैस की फ्लेम पर जितना चलाएंगे ये उतना ही गाढ़ा बनता जाएगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लिक्विडी चाहिए तो आप इसे लिक्विडी रखें, और अगर थोड़ा सा सॉलिड चाहिए तो इसे थोड़ा सा और पका लें। मैंने इसे हल्का सा लिक्विडी रखा है क्योंकि मुझे ये ऐसे ही पसंद है। अब हम इसमें डालते हैं अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स। मुझे इसमें काजू पसंद है तो मैं इसमें थोड़ा सा काजू डाल देती हूँ और थोड़ा सा किशमिश भी। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात और कि यह हलवा इस बर्तन की दीवार पर इस तरीके से लगा हुआ है वो इस वजह से है क्योंकि इसमें घी की स्टिकीनेस नहीं है, तो हलवा इस तरीके से है। अगर इसमें घी ज़्यादा होता तो ये इसकी दीवारों पर नहीं लगा होता। तो हलवा हमारा बनकर तैयार है, फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। इसकी गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर से काजू इस तरीके से डाल देती हूँ। तो देखिए कितने इजी मेथड से हमने आटे का हलवा ऐसा बनाया कि उसमें एक भी गुठली नहीं है।
तो दोस्तों आटे का हलवा बनकर तैयार है और ये बनाने में भी बहुत आसान है और सर्दियों के लिए तो ये बहुत स्पेशल रेसिपी है। आप सभी को ये बनाकर खाना चाहिए। और क्योंकि ये बना है 1 चम्मच घी से, तो अगर आप घी कम खाते हैं या किसी कारण से घी कम खा रहे हैं तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और अगर ये हलवा गुड़ में बनाया जाए तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो आप भी गुड़ का यूज़ करके एक बार इस तरीके से आटे का हलवा बनाएं, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इसे अपने घर में बनाएं, खाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो कैसी लगी आपको 1 चम्मच घी में बनने वाले आटे के हलवे की रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक आंचल की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आंचल की रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।